न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मसूरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मसूरी में बिना उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति ना लेकर संचालित हो रहे 9 होटल्स की बिजली पानी काट दी गई है। वहीं होटल का संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे मसूरी के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। मसूरी में बुधवार को उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड, मसूरी विद्युत विभाग, गढ़वाल जल संस्थान मसूरी, स्थानीय प्रशासन और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मसूरी में बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे 9 होटल्स की बिजली और पानी का कनेक्शन को काट दिया गया। बताया जा रहा है कि 282 होटल्स में से 9 होटल द्वारा होटल संचालन को लेकर पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के बिना ही संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा नोटिस देकर अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कई बार नोटिस देने के बाद भी मसूरी के 9 होटल्स द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, ना ही उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति ली गई, जिसके बाद उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड के रीजनल अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी के नेतृत्व में बुधवार को कार्रवाई शुरू की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिश ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए मीडिया से मिलने वाले फीडबैक को पूरा महत्व दिया जाएगा और मीडिया के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेकर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बिश ने कहा कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के साथ ही चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ व्यवस्थाएं करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागाकार समीक्षा बैठक कर जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और चुनौतियों की पड़ताल की जा रही है, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन को तेजी से अमलीजामा पहुंचाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने का भी प्रशासन का सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसमें नए नियम समिति और नए रूप से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही हैं। शाहजहांपुर में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य का आध्यात्मिक जन्म दिवस और बसंत पंचमी पर्व गायत्री शक्तिपीठ गोहरपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर 5 कुंडिया गायत्री यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति समर्पित की। इससे पहले कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड जाप का समापन हुआ। इस मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा विद्यांबर संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, अन्य प्रसारण संस्कार, बादशाह शर्मा बाबूजी, सोनपाल बाबूजी द्वारा संपन्न कराए गए। शक्तिपीठ के देवी परिसर में आकर हजारों लोगों ने आध्यात्मिक सुख अनुभूति की। मंत्री शिवानी सविता और गीता दीदी ने प्रज्ञा गीतों से सभी को भाव विभोर कर दिया और धार्मिक कर्मकांड के पीछे मूल भावना और वैज्ञानिक कारण समझाते हुए गायत्री यज्ञ समापन किया। इससे पहले गुरुदेव पंडित श्रीराम शंकर आचार्य के आध्यात्मिक जन्म दिवस पर प्रकाश डालते हुए मंजू दीदी ने कहा कि बसंत पंचमी पर्व पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। बसंत पर्व 18 जनवरी सन 1926 में अखंड दीप प्रज्वलन के साथ ही पूज्य वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई थी, जिसकी शताब्दी 2026 को पूरी हो रही है। साथ ही हम सबकी शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला वंदनीय माता जी की शताब्दी 2026 को पूर्ण हो रही है। इस दिन माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की झूठी घटना बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली भीमका पर विशाल मिश्रा निवासी दामोदर जनपद मथुरा और नवल किशोर शर्मा निवासी दौलतपुर जनपद पीलीभीत द्वारा प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को बताया गया कि बहराइच से भीमका होते हुए सिरसिया के विभूतिनाथ मंदिर जाते समय भिंगा रेंजर के पास राती में कार पर पत्थर फेंका गया। इसको देखने के लिए गाड़ी से रुके, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने आकर मारपीट की और 2 लाख रुपए लूट लिए। थाना कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर बारीकी से जायजा लिया। जांच पड़ताल के बाद घटना संदिग्ध होने पर पुलिस ने आरोपियों द्वारा दिए गए बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने बाइक मालिक को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिससे ये पता चला कि बाइक मालिक की गाड़ी बीते दिनों उसके घर पर खड़ी हुई थी और उसके परिजन घर में सो रहे थे। थाना भिंगा क्षेत्र में गुलरा के जंगल के पास एक सूचना आई थी कि मेरे साथ जो है 4 पहिया गाड़ी से पत्थर मार करके गाड़ी को रोका गया और उसके बाद उसमें से 3 लड़कों ने 2 लाख रुपए की लूट कर ली थी। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मौके पे गए और उनसे पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध लग रही थी। गहराई से पूछताछ करने पर मालूम चला कि इन लोगों ने लूट की फर्जी सूचना दे करके आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा का वैलेंटाइन डे का विरोध प्रदर्शन देखा गया। आगरा के सुभाष पार्क के बाहर प्रदर्शन किया गया। गुलाब के फूल पैरों के नीचे कुछ ले गए टेडी बियर को जलाया गया। पुलवामा में शहीदों को भी नमन कर याद किया गया। कहा वैलेंटाइन डे पर रोक लगे, आज के दिन शहीदों को याद किया जाए। सुभाष पार्क के बाहर वैलेंटाइन डे के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस और राहुल पर निशाना, मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया था, अब लगता है जल्द ही कांग्रेस से मुक्त होगा देश। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं राहुल गांधी, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं राहुल, उन्हीं की वजह से कांग्रेस मुक्त होगा भारत। सांसद
किसान आंदोलन पर बोलते हुए नजर आए बृजभूषण। बहुत छोटा आदमी हो, छोटी हैसियत है मेरी, सांसद ने आंदोलन के आगे खुद की हैसियत को छोटा बता दिया। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने एटीएम लूट का खुलासा कर दिया। सात शातिर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। अंजाम देने वाले अपराधी गूगल अवॉइड टूल के माध्यम से लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। शातिर चोर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से गैंग संचालित हो रहा था। पुलिस ने 3 लाख से ज्यादा की नकदी इनके पास से बरामद की है। मोबाइल फोन, गाड़ी भी बरामद की है। अन्य शातिर चोरों के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। सीसी सर्विलांस टीम की मदद से थाना कगरोल पुलिस ने खुलासा किया। वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम के इजहार का दिन। आमतौर पर इस दिन को प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच प्रेम के रूप में मनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर में वैलेंटाइन की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा और उनसे प्यार का इजहार करके गोरखपुर के स्कूलों में बच्चे अपने माता पिता को ही अपना वैलेंटाइन मानकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और उनसे अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे यानी अपनों को ये जताने का दिन कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं और आपके लिए वो अनमोल है। आज के दिन अधिकतर युवा प्रेमियों के लिए उनकी दुनिया अपनी प्रेमिका तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे माहौल को बदलने का नया प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर के स्कूलों में जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले माता पिता को देवतुल्य माना गया, आज के दिन माता पिता पूजन दिवस के रूप में इसे मनाया गया। बहुत अच्छा लगा है देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल हर स्कूलों में अलग अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, उससे कुछ हट के यहाँ पे माता पिता दिवस मनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा लगा, बच्चे पूजा की परिक्रमा की, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पुष्पा पांडे। कानपुर में श्रम विभाग के पोर्टल में सेंध के मामले में पकड़े गए 5 जालसाजों से पुलिस को चौंका देने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो कानपुर में फर्जी आवेदनों के अप्रूवल से संबंधित 146 ट्रांजैक्शन हुए हैं। ज्यादातर पैसे ऐसे अकाउंट में पहुंचा है जो केवल डिजिटल रूप में है। इससे पहले जालसाज कई जगहों के जिलों के ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ऐसी ठगी कर चुके हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि इसका दायरा 7 से 8 जिलों में है और ठगी की रकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। कानपुर में एक FIR दर्ज हुई तो हड़कंप मच गया और वहीं विभाग ने अंदरूनी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में सामने आया कि श्रम विभाग के लिए कार्यरत बाहरी सहयोगी ने जाली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सारा खेल खेला है और पकड़े गए जालसाजों ने कम से कम 5 और जिलों में ऐसी ठगी की बात कबूली है। वहीं पुलिस उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सारा मामला श्रम विभाग की कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत किया गया है। जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी एक प्रेमी जोड़ा है, उदित मिश्रा और नैन्सी ठाकुर ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मदद से वहाँ पे लूपहोल जाने इस पूरे साइट के और फिर उसका दुरुपयोग। सर ये प्रेमी जोड़ा है, पूरा खेल उसी का है। मुख्य षडन करता उदित मिश्रा। सर इसमें एक वेबसाइट का नाम सामने आया जिससे ये लोग अभियुक्त आपस में मिले थे, हैकाथॉन प्लेटफॉर्म। ये हैकाथॉन प्लेटफॉर्म है क्या? ये सब डार्कनेट से संबंधित है। डार्कनेट डीप डार्कनेट है जिससे जिसमें लोग जाकर के एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और इस तरह के हैकर्स आपस में मिलते हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग नजर रखते हैं। ये दोनों उदित और नैन्सी हैकर। उदित जरूर इस मामले में, उसके टेक्निकल नॉलेज है, उसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि हम इस तरीके का काम करेंगे और वो हैकर है भी। और नैन्सी उसके संपर्क में आई तो नैन्सी ने भी उसको टेक्निकल हेल्प की। कासगंज में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 और प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जिलाधिकारी कासगंज और पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 और बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई और भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने की तैयारियां की जा रही हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फर्रुखाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। दरअसल ये लोग जेल में बंद अपराधियों का फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। कमालगंज से इसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोबाइल फोन, प्रिंटर, आधार कार्ड, लेमिनेशन शीट, फोटो बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमानत कराने में इस्तेमाल करते थे, लोगों की जमीन देते थे और इस तरह की कई घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला का खुलासा पुलिस लाइन में किया गया। बिजनौर के थाना चांदपुर के सेंधवार इलाके में किसान के साथ दबंगों ने मारपीट की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना चांदपुर के गांव सेंधवार गांव का है। भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि जमीन को लेकर उसके साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के मामले में पीड़ित व्यक्ति भुवनेश्वर कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव के ही लोगों ने फोन कर
उसे बुलाया और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में पीड़ित की आंख में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने पुलिस से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कानपुर के सुजेंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करपुर के एस इंटर कॉलेज में अराजक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया। वहीं मूर्ति टूटने की बात सुनकर मौके पर पहुंचे सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का हंगामा चालू हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही कानपुर पश्चिमी क्षेत्र के ADC विजेंद्र द्विवेदी और मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उनको शांत कराया। उनकी तहरीर पर अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई का आश्वासन दिया है। KS इंटर कॉलेज सजेंडी के पास एक बाबा साहब की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसपे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 1790 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया। अवैध कच्ची शराब बना रहे दो अभियुक्त घने जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बढ़ापर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। मौके पर 25,000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। थाना बढ़ापुर क्षेत्र के मधुपुरी भोगलपुर गाँव का ही पूरा मामला। झांसी रक्सा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गाँव में सुबह सुबह ग्रामीणों को चीता देखने से हड़कंप मच गया। कंचनपुर गांव में नीरज राजपूत खेतीबाड़ी करते हैं। सुबह करीब 7 बजे उनके खेत पर एक जानवर आ गया, जिसे कुत्तों ने घेर लिया। कुत्ते जानवर को देखते ही जोर जोर से भौंकने वाले नीरज ने जब पास जाकर देखा तो एक बड़ा जानवर दिखाई दिया, जो कुत्तों से लड़ रहा था। कुत्तों को दूर पकड़कर फेंक रहा था। पास में ही नीरज के पिता जगदीश राजपूत भी काम कर रहे थे। वहीं मौके पर आ गए। उनके द्वारा सूचना ग्रामीणों को दी गई। बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण पहुंचे तो देखा एक बड़ा जानवर कुत्तों से लड़ रहा है। जब ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि जानवर पास में ही निकली नहर के जरिए भागकर आया और सीधा खेत में आकर बैठ गया। फिलहाल जानवर के बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के मुताबिक उसकी लंबी पूंछ और लगभग 8 फीट लंबा था। ग्रामीण बता रहे हैं कि चीता था। वन विभाग की टीम को भी इस बारे में बता दिया गया है। घटना के आसपास पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार पिरान कलियर में नियाज बनाने वाली दुकानों के टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर धरना दे रहे दुकानदारों के समर्थन में दूसरे दिन क्षेत्र विधायक फुरकान अहमद, खानपुर से विधायक उमेश कुमार भी धरना स्थल पर पहुंच गए और वक्फ बोर्ड से टेंडर निरस्त कर दरगाह प्रबंधक हटाने की मांग की। विरोध स्वरूपी व्यापारियों ने बाजार भी बंद रखा। दुकानदारों का समर्थन कर वक्फ बोर्ड CEO सैयद रियाज उस्मान ने नियाज लंगर बनाने वाली दुकानों के टेंडर निरस्त करके और दरगाह प्रबंधक रजिया को हटाने की मांग की है। साबिर पाक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसकी गुंडई लगातार बढ़ती जा रही है। नियाजी जो खाना बनाने वाले जो लोग हैं, वो 200 के करीब परिवार जो हैं वो उस खाना बनाने के प्रबंधन में लगे हुए हैं। उनको हटाकर किसी एक व्यक्ति को टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की गई और जो रजियां हैं उनके पति जो हैं वो यहाँ पे लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, दादागिरी करते हैं, तो उनको बताया गया कि अपनी सीमा में रहें, सीमा से बाहर ना जाएं।